सफलता बहुत जिद्दी होती है और सफलता को जिद से ही हासिल किया जा सकता है। सफलता बहुत जिद्दी होती है और सफलता को जिद से ही हासिल किया जा सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। सफलता बहुत जिद्दी होती है और सफलता को जिद से ही हासिल किया जा सकता है। सफलता बहुत जिद्दी होती है और सफलता को जिद से ही हासिल किया जा सकता है। सफलता पाने की भूख, सफलता पाने की चाहत, कुछ पाने की चाहत या भूख प्यास ही आपको सफल बना दिए। कुछ करके दिखाने की आग ही आपको सफल बनाती है। बीज को पता नहीं होता है कि वह वृक्ष बनेगा कि नहीं। बीज को पता नहीं होता है कि वह वृक्ष बनेगा कि नहीं। ऐसे ही जो भी पैदा होता है उसे भी पता नहीं होता है कि क्या वो बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं, लेकिन उसकी भूख ही उसे सफल बनाती है। कुछ बनने की चाहत ही उसे सफल बनाती है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ दिया करते हैं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लिया करते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ दिया करते हैं। कभी भी ईश्वर से ये ना कहें कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे पास। कभी भी ईश्वर से ये ना कहें कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे पास, बल्कि मुश्किलों से ये कहें कि ईश्वर का साथ है मेरे पास। ऐ जिंदगी मुश्किलों के मुझे सदा हल दे, ऐ जिंदगी मुश्किलों के मुझे सदा हल दे। थक जाऊं तो ही मुझे फुर्सत के कुछ पल दे, थक जाऊं तो ही मुझे फुर्सत के कुछ पल दे। थमे नहीं तन मन हमारा, थमे नहीं तन मन हमारा, दुआ है ये रब से। थमे नहीं तन मन हमारा, दुआ है ये रब से। निकल सके फिर दोबारा ऊर्जा की ऐसी सुबह कल दे, निकल सके फिर दोबारा ऊर्जा की ऐसी सुबह कल दे। पागल लोग ही रचते हैं इतिहास जहां में, क्रेजी लोग ही रचते हैं इतिहास जहां में, और लेजी लोग ही इतिहास पढ़ा करते हैं। इसीलिए लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता, इसीलिए लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता। उठो और खुद इसे बदलो, बैठे बैठे या लेटे लेटे चैनल नहीं बदलेगा, और जीवन में कलर्स चैनल नहीं आएगा। जीवन में कलर्स चैनल लाने के लिए फील इट, लाइफ को खुद ही फील करना होगा। फल को बिना चखे ही जैसे स्वाद नहीं आएगा, वैसे ही जीवन में कुछ करे बगैर फल का स्वाद भी नहीं भाएगा। फील नहीं आएगा तो जील नहीं आएगा। वही फील कर्म का फल है, वही जील यानी जोश कर्म का फल है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, इसीलिए मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा अवसर है। अवसर है अर्थात अब जो आपके सामने है, सर पर है, वही अवसर है। अवसर खुद बोल रहा है, मैं अब तेरे सर हूं। फिर क्यों तुम उस अवसर को सर से उतार रहे हो, अर्थात खो रहे हो? आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता का फल भी उतना ही बड़ा होगा। यदि आपको किसी बात का बुरा महसूस नहीं हो रहा है, यदि आपको किसी बात का बुरा महसूस नहीं हो रहा है, अर्थात आपकी फीलिंग नहीं जागी है, तो आपकी उन्नति कैसे होगी? क्योंकि आपने अपनी समस्या को अभी टाल दिया है,
क्योंकि आपने अपनी समस्या को नजरअंदाज कर दिया है। अभी कल फिर वो समस्या दोगुने वेग से आएगी, तब आप संभल नहीं पाएंगे। अतः दोस्तों, सफलता बहुत जिद्दी होती है और सफलता को जिद से ही हासिल किया जा सकता है। अतः जिद से हासिल करो, क्योंकि जिद के आगे जीत है। तिनके ही होते हैं जो जरासी हवा में बह जाते हैं, पहाड़ों की श्रृंखला में से तो आंधियां ही बहा करती हैं, अतः जिद से सफलता हासिल करो, क्योंकि हासिल में हाँ है और सिल है, अर्थात पत्थर राख है, और हासिल में ही सील है, विनम्रता है। अतः सफलता को जिद से हासिल करो, क्योंकि सफलता में ही समग्रता है, सब कुछ है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेसर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।